बारिश के कारण आपके बीच में आने में देर हुई, आप यहाँ इंतजार करते रहे, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपसे अपने भारत देश के बारे में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है उसके विश्लेषण के लिए आया हूँ और हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन कर सकें, ऐसी आपसे एक अपेक्षा है। मैं आधा घंटे में मेरी बात करूंगा, फिर आंसर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करूंगा। और जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो अपने देश की बहुत गंभीर समस्या है और उसका समाधान जो है ना सरकार के पास नहीं है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जिस प्रॉब्लम पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम का मैंने पहले भी कई सारे नेताओं से बात कर हमारे देश में मिनिस्टर के लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, आपके पास है, इसी आए आप बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि अपने देश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, विदेशी कर्ज हो गया है हमारे देश के। इस समय भारत 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है, हमारा देश 40 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। बहुत बड़ा सम है ये 40 लाख करोड़, इसको कभी कैलकुलेटर में लिखे ना तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैलकुलेटर में अधिकतम 12 अंक आते हैं और 40 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते हैं। 40 लिखना 40,000,000 12 बार लिखना पड़ता है। अब क्या समस्या है, ये जो कर्ज हमारे ऊपर हो गया है ये पिछले आजादी के 63 साल में हुआ। हम जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को तो हमारे देश पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। अब आजादी के 63 साल में ये कर्ज हो गया, हमने ये कर्ज ले रखा है अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से, ऐसे करीब 24 देशों से हमने ये कर्ज लिया हुआ है। आप लोगों का सवाल आएगा ये कर्ज क्यों लिया हमने, जरूरत क्या थी। हुआ ये था कि जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को तो भारत के पास कुछ पैसे नहीं थे। आजादी के पहले हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सब अंग्रेज यहाँ से ले गए, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों का शासन था। तो 1947 में भारत के पास जो भी थोड़ा बहुत धन था वो अंग्रेज ले गए, थोड़ा सा पैसा बचा था वो पाकिस्तान को देना पड़ा। आपको मालूम है भारत का बंटवारा हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो थोड़े पैसे बचे वो पाकिस्तान चले गए और काफी अंग्रेज ले गए, तो हमारे पास कुछ नहीं था। अब देश को तो आगे बढ़ाना था, विकास को करना था, तो हमने कर्ज लिया था और वो कर्ज से पहली पंचवार्षिक योजना बनी 1952 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से कर्ज लिया 57, दूसरी पंचवार्षिक योजना बनी, फिर तीसरी बार लिया 62, तो तीसरी योजना बनी और ऐसे करते करते वो कर्ज बढ़ता गया। अभी वो हो गया है 40 लाख करोड़। ये भारत में जो भी थोड़ा बहुत हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, चंडीगढ़ में ऐसा है, सड़कें हैं, हाईवे पुल बने हैं, रेलवे लाइन है, हमारे देश में बड़े बड़े IITs बने हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें ज्यादातर हमने कर्ज का इस्तेमाल किया है, लोगों को यूज किया। अब समस्या क्या है, समस्या तीन है। पहला तो इसका हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हर साल विदेशी कर्ज का ब्याज देना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो टोटल इनकम है देश की उसका लगभग 50% उसके ब्याज में चला जाता है। जैसे मान लो मेरी 100 रुपए की आमदनी है घर की, तो 50 रुपए मुझे हर बार कर्ज के ब्याज में देने, तो देश की जो टोटल इनकम है उसका 50% ब्याज में चला जाता है और जो बचा हुआ 50% है वो हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरी जो हायरार्की है इसको सैलरी देने में चला जाता है। तो नए डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे हमेशा कम पड़ते, तो फिर हमें कर्ज लेना पड़ता है।
ऐसा एक विशेष सर्कल बन गया। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है पूरे देश में कि जिन देशों ने हमको कर्ज दिया है वो देश अभी हमारे ऊपर कई तरह की कंडीशंस लगा है, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दिए हैं और उनको फॉलो करना हमारी मजबूरी हो गई है। जो 24 देश है ना, इनका एक ग्रुप है, उसको OECD कहते हैं। OECD कंट्रीज का हमारे ऊपर कर्ज है और उन्होंने हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दिए। उनका पहला कंडीशन है कि भारत का जो रुपया है उसको कमजोर करो, अमेरिका के डॉलर को मजबूत बनाओ भारत में। तो इस समय हमारे देश का 46-47 रुपीज अमेरिका के एक डॉलर के बराबर है। एक्चुअली अगर हम कैलकुलेट करें ना तो डॉलर और रुपी में इतनी अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि हम OECD कंट्रीज के प्रेशर में है इसलिए हमारा रुपया बहुत कमजोर है। 46 रुपए में एक डॉलर आता, 46 रुपीज पर डॉलर। जब हम आजाद हुए थे तब हमारा 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर में था, अब 46 रुपीज 1 डॉलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रुपए की कीमत 46 टाइम्स कम हो गई। और रुपए की कीमत अगर 46 टाइम्स कम हो गई तो रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी 46 टाइम्स कम हो गई। रुपए से कुछ हम खरीदें वो 46 गुना महंगा हो गया। आप महसूस करते हैं महंगाई बहुत है अपने देश में, और आज 5 जुलाई को सारा देश बंद है महंगाई के लिए। ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण है रुपए की क्रय शक्ति कम होना, परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और रुपए की क्रय शक्ति कम होने का माने है रुपए से हम जो चीजें खरीदते हैं, ऐसे समझाता हूं, जब हम आजाद हुए ना तो 1 रुपए में जितनी चीज हम खरीद सकते थे आज उतनी ही चीज को खरीदने के लिए 46 रुपए लगते हैं। सेम तो 46 गुनी महंगी हो गई ना वो चीज हमारे लिए, और जब हम खरीदेंगे उस चीज को तो हमारी आमदनी 46 गुनी कम हो जाएगी। पहले जो चीज हमें 1 रुपए की मिलती थी अब वही हमें 46 में खरीदनी है, तो अपनी जेब से पैसे ज्यादा गए ना, और ज्यादा पैसे हमने खर्च किए तो इनकम कम हो गई, तो देश के लोगों की इनकम भी 46 टाइम्स कम हो गई रुपए के कमजोर होने से। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ता है, पहले हम अमेरिका से कोई चीज 1 रुपए में लेते थे, अब वही चीज अमेरिका हमको 46 रुपए में देता है, तो इंपोर्टेड जो वस्तुएं हैं आयात होने वाली वो 46 गुनी महंगी हो गई। हम इंपोर्ट क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल, क्योंकि अपने देश में पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद केरोसिन, ये सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर 1 लीटर पेट्रोल 1947 में हम 1 रुपए का खरीदें तो अब वो हमको 46 रुपए में लेना है। ऐसी मुश्किल देश में आ गई। और ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमने जो कर्ज लिया था पहली बार अमेरिका से 52 में, तभी रुपया और डॉलर बराबर था, ठीक है। अब डॉलर 46 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो हमें जो कर्जे का ब्याज देना पड़ता है वो 46 गुना ज्यादा देना पड़ता है, 46 टाइम्स ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। उसकी वजह से सरकार पे बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर। तो क्या करती है सरकार, थोड़ा भी प्रेशर ज्यादा होता है तो फट से और कर्ज ले देती है कहीं से हमारी सरकार, तो कर्ज बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। अब एक दूसरी कंडीशन है हमारे ऊपर, जिन देशों ने हमको कर्ज दिया है उन्होंने एक कंडीशन अभी लगाई है कि भारत में OECD कंट्रीज की कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा परमिशन मिले व्यापार करने की, माने अमेरिका है, जर्मनी, जापान, इन देशों की कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आने दो, ये उनकी दूसरी कंडीशन है OECD। तो उनकी कंपनी हमारे यहाँ आ गई
पेप्सी कोला, कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलगेट, सीवा गायकी, सैंडोज, फाइजर, हेक्स, फेलिटी, ऐसी 5,000 कंपनियां ही हैं। अब वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हमारे देश में और उनके प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं क्योंकि वो टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट वॉक करते हैं। तो हम जब उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं तो हमारा जो पैसा है वो विदेशी कंपनियों के पास चला जाता है और विदेशी कंपनी को उसमें जितना प्रॉफिट है वो सब भारत से बाहर ले जाते हैं अपने देश में। जैसे हमने पेप्सी कोला खरीदा तो एक बॉटल आती है लगभग 10-12 रुपए की, लेकिन वो बॉटल जो है ना पेप्सी कोला की वो बनती है 70 पैसे, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 70 पैसा। अब 70 पैसे की बॉटल हमको बेचते हैं मान लो 10 रुपए में, कभी कभी 12 रुपए भी देते हैं, हम 10 मान के चले तो उनको 9.30 रुपए प्रॉफिट है जिसको वो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। फिर उसमें वो टैक्स देते हैं लगभग 1 रुपए टैक्स देते हैं हमारी सरकार को, 8.30 रुपए बचता है उनको, फिर 30 पैसे को एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं जो टेलीविजन में आता है, तो उनको नेट प्रॉफिट 8 रुपए होता है। तो जब हम एक बॉटल पेप्सी खरीदते हैं तो भारत का 8 रुपए अमेरिका चला जाता है, 2 बॉटल खरीदे 16 रुपए चला जाता है, 3 बॉटल खरीदे 24 रुपए चला जाता है। एक बार मैंने कैलकुलेट किया एक साल में भारत के लोग 700 करोड़ बॉटल खरीदते हैं पेप्सी को, 700 करोड़। हमारी आबादी है 120 करोड़ और हम पेप्सी को की बॉटल पीते हैं 700 करोड़। अब आप कैलकुलेट करो एक बॉटल अगर हम उनकी पी रहे हैं तो 8 रुपए हमारा अमेरिका जा रहा है, तो 700 करोड़ बॉटल में एक साल में 5,600 करोड़ रुपए हमारा अमेरिका चला है। अभी एक और प्रॉब्लम हो गई है कि पहले तो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे उसमें पैसे जा रहे थे, अब विदेशी कंपनी आ गई उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसमें भी पैसे जा रहे हैं हमारे पास। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि पेप्सी कोला, कोका कोला ऐसी 5,000 कंपनियां वो एक साल में करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए यहां से ले जाते हैं। हर साल कर्जे के ब्याज में हमें 3.5 लाख करोड़ देना पड़ता है, तो ये पेप्सी को जैसी कंपनी और वो करीब 2.5-3 लाख करोड़ ले जाते हैं, मैंने हर साल करीब करीब हमारा 6 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है और ये लॉस हमारा है सबका है, क्योंकि देश का लॉस है तो हमारा लॉस है। अब इस लॉस को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है ताकि ये लॉस पूरा हो, और टैक्स लगा के सरकार जो इनकम करती है उससे चीजें और महंगी हो जाती तो और महंगा नहीं होती, अल्टीमेटली सारा नुकसान लोगों का होता है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम अपने देश में आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या, तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात किया था, हमारे देश में एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे मैंने बहुत बात किया इस सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि वो भारत में एक अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो सेंसिटिव थे और इंटेलिजेंट थे। हमारे देश में लोग या तो इंटेलिजेंट होते हैं या तो सेंसिटिव होते हैं, दोनों होना बहुत मुश्किल है, इंटेलिजेंट भी हो और सेंसिटिव भी हो। पॉलिटिशियंस को ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और सेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम एक एक्सेप्शन थे क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे इसलिए उनमें सेंसिटिविटी भी थी और इंटेलिजेंसी भी। उनसे मैंने एक बार इस पर डिस्कशन किया कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा हाँ प्रॉब्लम तो है, तो मैंने कहा इसका कोई सोल्यूशन आप नहीं, आप तो राष्ट्रपति हैं देश के, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ तुम बताओ। मैंने कहा आपके पास 2-3 मैं सुझाव देता हूँ, कोई भी आप उसको फॉलो करिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उनका बताओ क्या करना, मैंने कहा पहला ये करना कि ये जो कर्ज हम ले रहे हैं इसलिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है,
तो सबसे पहला काम तो हम कर्ज लेना बंद कर दें इमीडिएट, उनका ठीक है। फिर उनका दूसरा काम कि जो कर्ज हमने ले रखा है इसका हम रिपेमेंट कर दें, ठीक है, तो आदि प्रॉब्लम सॉल्व। नया कर्ज लेंगे नहीं और पुराना जो ले रखा है इसका रिपेमेंट कर दें, फिर होगा ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा तीसरा ये रास्ता है कि इन दोनों काम को करने के बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो उनका मैं क्या करूं, मैंने कहा आप सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाओ, कैबिनेट सेक्रेटरी को कहो, वो सबकी मीटिंग बुलाएगा। उनका ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम तो उस मीटिंग में नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता लेकिन मैं आपको एजेंडा बना के दे रहा हूं, आप इस मीटिंग में उसको रखो। तो प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई, तो सभी सेक्रेटरी कुछ मिनिस्टर्स भी आए, कुछ एमपीज आए और उनके सामने उन्होंने कहा कि भारत को कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा बात तो सही है, नहीं लेना चाहिए लेकिन खर्चा कैसे चलेगा, कर्ज हम ना ले ठीक है। तो एक चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम तो अगर विदेशी कर्ज नहीं लेंगे तो हमारी तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं, जो सरकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देने का भी पैसा नहीं, तो हम तो ये नहीं कर पाएंगे कर्ज ना है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता निकालो, इनकम बढ़ाओ देश की, तो उनका वो रास्ता हमारे पास नहीं है। सरकार की इनकम तो बहुत कम है, खर्चा तो बहुत ज्यादा है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम इनकम बढ़ा सकें, खर्चे बढ़ते रहते हैं सरकार के। तो वो मीटिंग फेल हो गई। फिर डॉक्टर कलाम से मैं मिला, मैंने कहा क्या हुआ, तो उनका मीटिंग में कुछ नहीं था। सेक्रेटरीज ने कहा कि हम विदेशी कर्ज लेना बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, हम तो सैलरी भी नहीं दे पाएंगे अगर कर्ज ना लें तो। तो डॉक्टर कलाम ने कहा अब दूसरा कोई आइडिया निकाल। मैंने कहा दूसरा एक आइडिया है कि भारत के लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि देश के कर्ज को चुकाएं। क्या लगे कैसे, मैंने कहा हर आदमी से कहो 20,000 रुपए दे दे, हर आदमी इस देश में 20,000 रुपए दे दे तो कुल जो फंड इकट्ठा होगा उससे हम लोन को रिपे कर सकते। तो डॉक्टर कलाम ने फिर दूसरी मीटिंग बुलाई और सभी को कहा 20,000 रुपए दे दो। तो किसी ने कहा हाँ दे दे, किसी ने कहा नहीं दे, ऐसा उसमें हो गया। लेकिन डॉक्टर कलाम ने सबसे पहले अपनी जेब से निकाल के दिया कि ये मेरा पैसा हम लगे दे रहा। तो कुछ सेक्रेटरीज ने शर्म आई तो कहा मैं भी दूंगा मैं भी दूंगा, लेकिन एमपीज लोगों ने कहा हम क्यों दे, तो वो भी बात बनी। फिर मैंने डॉक्टर कलाम को कहा कि आपका जो वेबसाइट है उनका एक वेबसाइट है, मैंने कहा इस पे अपील करो देश के लोगों से, जो जो आपको पसंद करते हैं कम से कम वो तो 20,000 दे देंगे। तो उन्होंने अपील की तो कुछ लोगों ने तो भेजा पैसा, सब ने नहीं भेजा। फिर एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने डॉक्टर कलाम को ये कहा कि आप 20,000 रुपए किससे मांग रहे हो, क्योंकि 84 करोड़ लोगों के पास तो 20 रुपए नहीं है एक दिन में, वो कैसे देंगे। तो वो प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व, माने वो सोल्यूशन भी काम नहीं आया। और तब तक डॉक्टर कलाम का टेन्योर पूरा हो गया और री इलेक्ट वो हो नहीं पाए। कोशिश उन्होंने की थी लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको जीतने नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर कलाम को ईमानदार आदमी खाते नहीं, दूसरों को खाने नहीं देते और पॉलिटिशियंस को ऐसे लोग पसंद नहीं आते, उनको खाना और खाने वाला चाहिए पिलाने वाला चाहिए। तो जब वो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तब उन्होंने मुझे फिर बुलाया, अब बताओ क्या करना है। मैंने कहा अब आप क्या कर सकते, आप तो कुछ नहीं कर सकते,
जब आप पावर में थे तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब तो आप एक्स प्रेसिडेंट हैं, अब तो कोई नमस्ते भी नहीं करेगा आपको, क्योंकि हमारे यहां तो जो पावर है ना वो पोस्ट में है। एक्स प्रेसिडेंट तो क्लर्क से भी बदतर होता है। कह लगे हाँ मुझे भी अब ये रियलाइज हो रहा है। अब अखबार वालों ने ही उनकी बातें छापना बंद कर दिया, टीवी में भी अब नहीं आता। पहले आपने देखा हर दिन अखबार में उनका स्टेटमेंट आता था, छोटी सी भी बात कहे वो कहते थे पेड़ लगाओ, तो फ्रंट लाइन की न्यूज बनती थी पेड़ लगाओ। अब वो रोज बोलते हैं कहीं छपता है, टीवी वाले भी नहीं दिखाते, क्योंकि अखबार और टीवी वाले कहते हैं उनका क्या मूल्य है डॉक्टर कलाम का। ये है। अब फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब तो एक ही ऑप्शन है कि आप भी घूमो देश में और आपके जैसे सैकड़ों लोगों को घुमाओ देश में और वो लोगों के पास जाकर ये प्रॉब्लम बताएं और लोगों से कहो कि इसका कोई सलूशन निकालो, तो हम सब मिलकर इसका सलूशन निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट के पास इसका सलूशन नहीं, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। आप मिलकर क्या करें, आपको मैं एक सीधा क्वेश्चन करता हूं। मान लो आपके घर पर कर्ज हो जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो आपके घर पर कर्ज हो गया, अब आपके घर में क्या करोगे, कर्ज हो गया आपके बैंक का कर्ज हो गया मान लो, या किसी जमींदार से आपने कर्ज ले लिया, तो जब किसी घर पे कर्ज बढ़ जाता है तो घर के लोग क्या करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, ये लोग तो पीछे वाले बोल रहे हैं, आप बताओ आपके घर पे कर्ज बढ़ गया तो आप क्या करोगे, हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो अपने घर की इनकम बहुत बढ़ा लें ताकि कर्ज चुक जाए, और या घर के खर्चे घटा लें तो हमारी आमदनी बढ़ जाए, यही करोगे ना। तो अब देश के ऊपर बहुत कर्ज है तो क्या करें, या तो देश की इनकम बहुत बढ़ा जाए तो हम कर्ज को रिपे करें, और या देश के खर्चे बहुत कम कर दें तो हमारी इनकम बढ़ेगी। खर्चा जितना कम होता है आमदनी उतनी ही बढ़ती है, ठीक है। अब आप तो कहोगे हम तो विद्यार्थी हैं, हम इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं देश में, क्योंकि आप तो कुछ नौकरी करते नहीं, आप तो इंडस्ट्री चलाते नहीं, बिजनेस कुछ करते नहीं, तो आपसे इनकम बढ़ाने की अपेक्षा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि आप खर्चा घटा सकते हैं। जो हम खर्च करते हैं ना रोज अपनी जिंदगी में, इसको अगर हम कम कर लें तो ये बहुत बड़ा आपका देश के लिए सहयोग होगा। हम खर्चा तो कोई भी घटा सकते, तो देश के सारे विद्यार्थी मिलकर अगर अपना खर्चा घटा दें तो अल्टीमेटली देश का खर्चा घटेगा। हमारी एक फैमिली है मान लो, उसका एक महीने का खर्चा 20,000 होगा, 25,000। अब अगर हम एक फैमिली का खर्चा 20,000 से 15,000 कर दें तो 5,000 रुपए पर फैमिली हमने खर्चा बचाया, और देश में 21 करोड़ फैमिलीज हैं, अगर ऐसा ही वो करें तो बहुत बड़ी रकम हम देश के लिए जनरेट कर सकते। और मान लो हम हमारी फैमिली का खर्चा 20,000 से 10,000 कर दें तो और ज्यादा हम देश के लिए मदद कर सकते। हमारा जैसे छोटा घर है वैसे छोटे छोटे घरों से मिलकर ये देश एक बड़ा घर है, तो छोटे घर में जो कुछ होगा वो बड़े बड़े घर को रिफ्लेक्ट करेगा, वहां उसका असर है। तो आप सब विद्यार्थियों को मैं ये कहने आया कि आप अपने देश के लिए अपना खर्चा घटा दें, ठीक है। तो आप बोलोगे कि खर्चा कैसे घटाए, महात्मा गांधी ने एक सूत्र दिया हमको खर्चा घटाने के लिए। गांधी जी कहते थे सिंपल लिविंग हाई लिविंग, हमारी जिंदगी को सरल कर लें, सोचने में हम ऊंचे से ऊंचे रहें,
और खर्च में नीचे से नीचे गए। तो गांधी जी ने ये करके दिखाया था, वो तो बैरिस्टर आदमी थे, उन्होंने अपना खर्चा बताया, टाई लगाना बंद किया, कोट पहनना बंद किया, पैंट पहनना बंद किया, और सब छोड़ते छोड़ते खाली एक लंगोटी पहनना शुरू किया। तो सारे देश ने उनको फॉलो किया, और उस जमाने में गांधी जी ने लोगों का खर्चा घटा के जो आमदनी बढ़ी उस पैसे का इस्तेमाल अंग्रेजों को भगाने के लिए किया। वही गांधी सूत्र हमें मदद करेगा, हम हमारे जीवन को थोड़ा सरल करें, फालतू खर्चे कम करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अब आप बोलोगे कहां से कम करें, खर्चे की शुरुआत कहां से करें, तो मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी चीजें हम रोज अपने जीवन में खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो खरीदना बंद करें तो उससे हमारे पैसे बचेंगे, और आपके पैसे बचेंगे तो आप क्या करोगे, या तो बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक क्या करेगा वो पैसा भारत के लोगों को लोन में देगा, तो उससे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो क्या होगा, इनकम ज्यादा आएगी तो देश की इनकम भी बढ़ जाएगी। हमारे बचत के पैसे हम जब बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाले वही पैसा उद्योगपतियों को कर्ज में देते हैं, उसी पैसे से प्रोडक्शन होता है, फिर बाजार में वस्तुएं बिकती हैं, फिर उससे आमदनी होती है, और वो आमदनी देश की आमदनी बनती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज से अपने खर्चे कम करें। तो आप बोलोगे शुरू कहां से करें, सबसे पहला खर्चा कम करो, पेप्सी कोका कोला मत पियो, इसमें हमारा बहुत खर्च होगा। भारत का ये जो इलाका है ना, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, यहां सबसे ज्यादा पेप्सी को पीता है, पर कैपिटा 7-10 बॉटल्स का कंजम्पशन है इस एरिया सबसे ज्यादा, और भारत सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा पेप्सी को पीते स्टूडेंट्स विद्यार्थी आप जैसे लोग। तो अगर हम पेप्सी को पीना बंद करें और दूसरे अपने सहयोगी विद्यार्थियों को ये कहें आप भी बंद करो, तो बहुत बड़ा काम शुरू होगा। एक बॉटल अगर हमने कम पिया तो देश का 8 रुपए बचेगा, 2 बॉटल कम पिया 16 रुपए बचेगा, 3 बॉटल कम पिया 24 बचेगा, और सबने बंद कर दिया पेप्सी को तो हर साल हमारा करीब करीब 8-10 हजार करोड़ रुपए बचेगा। एक प्रोडक्ट हमने छोड़ा 10 हजार करोड़ रुपए देश को फायदा हो गया, समझ में आया। और अगर हम पेप्सी को ना भी पिए तो भी लाइफ को चलने वाले, क्योंकि पेप्सी को का हमारे पास ऑल्टरनेट है, हम पानी पी सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को सॉफ्ट ड्रिंक ही पीना तो नींबू की शक्कर भी बनाना पड़ सकता, पानी ले लें उसमें नींबू निचोड़े थोड़ा गुड़ मिला सॉफ्ट हो गया, या तो हम पेप्सी को छोड़कर गन्ने का रस पी सकते हैं, मौसमी का रस पी सकते हैं, संतरे का रस। अब कई लोगों को मैं ये कहता हूं तो वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं जी पेप्सी को ला तो हम जरूर पिएंगे, क्यों पिएंगे, आमिर खान कहता है इसलिए। आमिर खान कहता ना ठंडा मतलब कोका कोला, तो बहुत लोगों के लिए आमिर खान हीरो है, रोल मॉडल है, वो पीते हैं इसलिए आमिर खान कहता, ऐसे ही सलमान खान कहता, कभी शाहरुख खान कहता, कभी तेंदुलकर भी कहता, कभी राहुल द्रविड़ भी कहता। ये सब जो सिनेमा और क्रिकेट के लोग हैं ना, ये बहुत कहते हैं पेप्सी पियो, कोका कोला पियो, सिर उठा के पियो, सिर झुका के पियो, कोई अक्षय कुमार है बता रहे अक्षय कुमार वो बहुत चिल्लाता है थम्स अप पियो, सिर उठा के पियो। एक बार मैंने क्या किया, ये जो अक्षय कुमार, आमिर खान, तेंदुलकर, इन सब के ईमेल एड्रेस कलेक्ट किए और सबको मैंने एक ईमेल किया और उसमें उनसे ये पूछा कि ये आप एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो पेप्सी का, आपको का थम्स अप का आपको क्या मिल रहा है इस पैसे। तब उन्होंने कहा पैसे मिल रहा है,
तो आमिर खान ने थोड़ा जवाब दिया था ठीक से, उसने कहा कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ तो एक साल लगता है, उसमें मुझे 4 करोड़ रुपए मिले, लेकिन ये ठंडा मतलब कोका कोला बोलने में 8 करोड़ रुपए मिलता। तो उसने कहा कि मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा। फिर मैंने उसको पूछा आप पीते हो इसको कोका कोला, तो उसने कहा पीता तो नहीं एडवर्टाइजमेंट करता। मैं पूछा क्यों नहीं पीते, तो उसने कहा मेरा डॉक्टर मना करता है। मैं बोला आपके डॉक्टर का जरा नाम पता बताओ, ऐसा कौन डॉक्टर है जो पेप्सी पीने से मना करता है। तो उसने नाम पता दिया, उसका एक डॉक्टर है मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल। मैंने उस डॉक्टर को कॉन्टेक्ट किया कि आप ऐसा बोलते हो आमिर खान को, तो उसने कहा हाँ मैं सबको बोलता हूँ, जो भी पेशेंट मेरे पास आता है मैं कहता हूँ मत पियो कोका कोला पेप्सी को। मैं पूछा आप क्यों मना करते हो, उसने कहा ये बहुत पॉइजनस है पेप्सी कोला। मैं पूछा इसमें क्या पॉइजन है, तो उसने कहा इसमें एक एसिड है। मैं पूछा कौन सा एसिड है, तो उसने कहा ये मुझे नहीं मालूम है, इतना मालूम है कि इसमें एसिड है। फिर मैंने कहा कौन बताएगा, तो उसने कहा कोई नहीं बताएगा, तुम ऐसा करो टेस्ट करा दो इसको, इसमें पता चल जाएगा कौन सा एसिड है। तो मैंने पेप्सी कोला टेस्ट कराया, एक लेबोरेटरी है पूना नाम का एक शहर है, पुणे कहते हैं हम उसको कोई लोग पूना कहते हैं, वहां पर भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, उसका नाम है NCL नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वहां सभी चीजें टेस्ट होती है। तो पेप्सी कोला हमने टेस्ट कराया, कोका कोला टेस्ट कराया, तो वहां से पता चला कि पेप्सी कोला में जो एसिड है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, इससे दो चीजें बनती है, एक तो पेप्सी कोका कोला बनता है, दूसरा इससे बनता है हार्पिक। हार्पिक आप जानते हैं क्या है, टॉयलेट साफ करता है। तो हार्पिक जो टॉयलेट साफ करता है उसके लिए हार्पिक में एक एसिड मिलाया जाता है, उस एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में मिलाया जाता है। ये बात पूना की NCL लेबोरेटरी ने हमको बताया, और हैरान करने वाली बात ये बताई उन्होंने कि हार्पिक में जितना एसिड है पेप्सी कोक में भी उतना एसिड है। हार्पिक है ना, उसका पीएच वैल्यू है 2.4। पीएच समझते केमिस्ट्री पढ़ते, तो हार्पिक का पीएच है 2.4 और पेप्सी कोला का भी पीएच है 2.4। हार्पिक और पेप्सी की क्वालिटी बराबर है। जब ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो सबसे पहले मैंने मेरे घर में एक एक्सपेरिमेंट किया, मेरी माँ को कहा कि हम पेप्सी कोला से टॉयलेट साफ करके देखें। तो मेरी माँ ने कहा मेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा नहीं हमें ये देखना है कि इसका एसिडिटी कितना स्ट्रांग है। तो मेरी माँ को मना लिया मैंने, फिर एक महीने तक हमने घर का टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं पेप्सी लाया, मैंने टॉयलेट पॉट पर उसको स्प्रे किया और 2-3 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया, टॉयलेट पॉट चक्का चक सा एकदम वाइट वाइट एकदम नीचा। वो दिन से मैंने एक एडवर्टाइजमेंट शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट की। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10 साल पहले किया था, और संयोग से उसी समय परमपूजनीय स्वामी रामदेव जी से मेरी दोस्ती हुई थी 10 साल पहले। तो मैंने स्वामी जी को करके दिखाया, मैं हरिद्वार गया था तो स्वामी जी का पुराना आश्रम था, वहां पर एक मैंने व्याख्यान दिया था और उसमें बताया, तो स्वामी जी ने उसी दिन से बोलना शुरू किया ठंडा मतलब पानी। अब आप सोचो कि हम टॉयलेट की जब भी जाते हैं और कोई कोई लोग तो 10-10 फुट तक भी जाते, और कोई लोग तो ऐसे हैं कि अकेले नहीं पीते अपने मेहमान को भी पिलाते हैं टॉयलेट। और हमारे घर में कुछ ऐसे मूर्ख मेहमान आते हैं जो घर में घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ
भारत भारत के लिए निर्मला हो। मैंने देखा है जो शादियां होती है ना शादियां, उसमें पेप्सी कोक के स्टॉल लग जाते हैं तो लोग लाइन लगा के पीते हैं। आप सोचो पीना चाहिए। अब मैं आपको और एक सीरियस बात कहना चाहूंगा, ये पेप्सी कोला को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो पता चला इसमें फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन इसमें और भी कुछ केमिकल्स हैं, उनके नाम बताना चाहता हूँ। इसमें एक केमिकल है उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। ये केमिकल कैंसर असर कैंसर करता है। अगर आप रोज रोज पेप्सी को पिएंगे तो पेट का कैंसर हो जाता है। ये पेप्सी आप पीते हो ना तो जाएगा कहाँ? सबसे पहले आपके एपिगैस्ट्रियम में जाएगा, वहां कैंसर करता है। और पेप्सी गले के नीचे से उतरता है तो गले का कोई भी हिस्से में कैंसर, क्योंकि उसमें सोडियम मोनोग्लूटामेट है। और एक कैंसरस केमिकल है पेप्सी में, उसका नाम है पोटेशियम सॉल्वेंट। पोटेशियम सॉल्वेंट और एक केमिकल है जो कैंसरस है, उसका नाम है बहुत खराब एंडोसल्फान। आपको मालूम है एंडोसल्फान इसलिए करते हैं हमारे किसान खेत में कीड़े मारते हैं, वो पेप्सी कोक में मिक्स किया। हमने पेप्सी कंपनी के एक अधिकारी को पूछा कि इसमें एंडोसल्फान क्यों मिक्स करते हो, तो उसने कहा हमारी एक प्रॉब्लम है। मैं पूछा क्या, तो उसने कहा कि पेप्सी की बॉटल जब हम बनाते हैं तो पानी भर देते हैं बॉटल में, तो थोड़ी देर के बाद इस बॉटल में कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है ना ये साफ नहीं होता, बहुत गंदा पानी, कचरे वाला पानी आता है। साफ पानी डालने तो खर्चा ज्यादा लगता है, कचरे वाला पानी भी डालते हैं। अब उस पानी में कीड़े आ जाते हैं, आई नहीं होते, तो वो कहते हैं कीड़ों को मारने के लिए हमको एंडोसल्फान डालना पड़ता है, और एंडोसल्फान पड़ा रहेगा तो कीड़े मरते रहेंगे। और वो कहते हैं कि हम अगर ये कीड़े ना मारे तो कोई नहीं पिएगा पेप्सी को, क्योंकि सबको वो कीड़े मिलेंगे। और ये एंडोसल्फान वो है जो खेत में डाला जाता है, वो ही पेप्सी। फिर एक और केमिकल है पेप्सी में, उसका नाम है क्लोरोपाइरीफॉस, वो एंडोसल्फान से भी ज्यादा खतरनाक। और ऐसे चौथे जहरीले केमिकल्स हैं पेप्सी को, तो आप सोचो ये जहर पेप्सी है जहर। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बार क्या हुआ मेरा डांट टूट गया, वो अभी भी टूटा हुआ है, एक एक्सीडेंट में दांत टूट गया, तो मैंने मेरा दांत पेप्सी की बॉटल में डाल दिया ये देखने के लिए कि क्या होता है। मुझे डाउट था, मेरे मन में ये था कि अगर क्लोरोपाइरीफॉस और एंडोसल्फान जैसे केमिकल है तो ये दांत भी गल जाएगा पेप्सी, तो मुझे कन्फर्म करना था गलता है कि नहीं गलता। तो मैंने मेरा ही दांत डाल रहा हूँ पेप्सी की बॉटल में, बोतल खोली, दांत डाला, फिर ढक्कन बंद करके रख दिया। 15 दिन के बाद उस बोतल को मैंने देखा तो मेरा दांत गायब हो गया, फिर पूरा पेप्सी मैंने निकाल दिया बोतल से, दांत नहीं निकला उसका, कहाँ गया दांत? डिसॉल्व हो गया। और आपको मालूम है कि दांत कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता किसी का, ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत ऑर्गन है दांत। हम मर जाते हैं, मरने के बाद हमारा शरीर का कोई अंतिम संस्कार कर दे तो सारा शरीर जल जाएगा, दांत नहीं जलते। मुझे याद है मेरे दादा दादी का संस्कार हमने किया था, तो अगले दिन हम वो लेने गए थे उनकी राख, तो उनके सारे दांत निकल आए, बाकी कुछ नहीं। और किसी व्यक्ति को जमीन में खड्डा खोद के गाड़ने तो भी 10 साल बाद दांत ही निकलते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये दांत कभी मरते नहीं, लेकिन पेप्सी कोक में डालने पर डिसॉल्व हो जाता है, मर जाते हैं। क्वालिटी अच्छी है पेप्सी, पीने लायक है,
पियो गया पक्का कौन कौन नहीं पियो ना हाथ उठाओ अच्छा अब मैं आपसे एक बात कहूंगा आप तो नहीं पियोगे पेप्सी को अगर आपके मम्मी पापा पिएंगे तो मना करेंगे उनको बताओगे समझाओगे उनको दो बातें समझा पहला कि इसमें तो टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड है और उसका नाम याद रखना फॉस्फोरिक एसिड फिर दूसरा कहना कि इसमें दांत गलाने वाली भी केमिकल है एंडोसल्फान क्लोरोपाइरीन और कहना इसमें कैंसर करने वाली केमिकल है सोडियम मोनोग्लूटामेट और पोटेशियम सॉल्वेंट ये बता दो और चौथी बात बताना कि इसको पिएंगे तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका चला जाएगा और अंत में ये भी बताना कि हम जो पेप्सी को पीते ना हर साल हमारा पैसा अमेरिका जाता है अमेरिका वही पैसा पाकिस्तान को डोनेशन में देता है पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को डोनेट करता है आतंकवादी वो पैसे से बम बना के भारत में ब्लास्ट हम सब पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय हो कैसे होने वाली बात इसलिए ये पीने लायक नहीं है ठीक है और हम सब भारतवासी पीना बंद करें तो मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ रुपए देश का बच जाएगा और इतने ही रुपए का मान लो हम नींबू का शिकंजी पी लें तो 10,000 करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि नींबू कौन बेचता है फार्मर्स या हम 10,000 करोड़ रुपए का गन्ने का रस पी लें तो भी फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी या 10,000 करोड़ का संतरे का चीकू का रस पी लें तो भी फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो और मल्टीप्लीकेशन करेंगे उस इनकम को और री इन्वेस्ट करेंगे खेत में और इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली देश की इनकम बढ़ेगी और इनकम अगर बढ़ा दें ठीक है तो आप सब मिलकर देश के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं समझ में आया और एक दो बात समझा दो हम कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है और मैं एक और उदाहरण देगा हम टूथ ब्रश करते हैं कॉलगेट खरीदते हैं क्लोजअप पेप्सोडेंट सुबाथा फॉरेंस हर साल भारत में करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के टूथपेस्ट खरीदे जाते हैं और किसी को पूछो क्यों करते हो टूथपेस्ट तो करते दांत साफ करने इसलिए टूथपेस्ट करते दांत साफ करने के लिए तो अपने पास बहुत कुछ है पेस्टी क्यों करें आप बोलोगे कि पेस्ट में क्या खराबी है उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खरीदते हो टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम कॉलगेट ठीक है और वो बनता है मुश्किल से 3 रुपए का 100 ग्राम मुश्किल से 3 रुपए का 100 ग्राम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका बहुत आप बोलोगे इतना सस्ता पेस्ट क्यों बनता है क्योंकि पेस्ट जिस वस्तु से बनता है वो वस्तु बहुत सस्ती है पेस्ट बनता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट से और डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है 1 रुपए का 1 किलो और उससे बनता है कॉलगेट जो बिकता है 300 रुपए का 1 किलो कॉलगेट 30 रुपए का 100 ग्राम है तो 1 किलो कितने का होगा 300 रुपए का तो जो वस्तु डाइकेल्शियम फॉस्फेट उसमें डाली गई है कॉलगेट में वो तो 1 रुपए किलो की वस्तु है और हम खरीद रहे हैं उसको 300 रुपए के 300 रुपए किलो तो बादाम मिलता है काजू मिलता है हम पेस्ट खरीद रहे हैं 300 रुपए और हम कैसे मूर्ख हैं 300 रुपए के लिए की पेस्ट को रगड़ रहे हैं और वॉश मशीन में थूक रहे हैं थूकते ही तो हैं खाते तो नहीं ना और 300 रुपए किलो की चीज को थूक रहे हैं और 40 रुपए किलो के दूध को पी रहे हैं और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट क्योंकि हम 300 रुपए किलो की चीज को थूकते बहुत लोगों से मैं कहता हूँ आप और ज्यादा स्मार्ट बनो
तो कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ ये पेस्ट को छूटते क्यों, खा लो तीन सौ रुपए किलो है गाय के घी के बराबर, गाय का घी रोटी में लगा के खाते हैं 300 रुपए किलो, तो पेस्ट क्यों छूट रहे हो, ये भी खा लो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये पेस्ट में जो डाइजेशन फॉस्फेट है इसको पता करो कैसे बनता है, इतना सस्ता कैसे आ सकता है, 1 रुपए किलो, ये तो नमक से भी सस्ता है। तब पता चला कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों से, और मरे हुए जानवरों की हड्डियां भारत में बहुत सस्ती मिलती है, क्योंकि यहां जानवर हर दिन मरते, हर रोज इस देश में करोड़ों जानवरों को कत्ल किया जाता है। अपने भारत में 36,000 स्लॉटर हाउसेस हैं कत्ल का, उनमें एक साल में 10 करोड़ जानवरों को कत्ल किया जाता है, गाय बैल भैंस बकरी बकरे मुर्गे मुर्गी, और इनका जो मांस है ना वो हम खा जाते मांसाहारी लोग, और इनकी जो हड्डियां हैं वो कॉलगेट कंपनी खरीद लेती है, और उससे वो निकाल लेते हैं डाइजेशन फॉस्फेट, और उससे बनाते हैं फिर टूथपेस्ट, और वो पेस्ट रगड़ते हैं हम रोज अपने सवेरे सवेरे मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर मुंह में लगा, और फिर कहते हैं सांस की बदबू बहुत गलती है। अब मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं, मैं पहली बार अपनी जिंदगी में जब अमेरिका गया तो मैंने वहां देखा कॉलगेट का पेस्ट बिकता है, अमेरिका में नहीं बिकता कॉलगेट क्लोजअप एक्सीलेंट पाउंड बिकता है, लेकिन अमेरिका में तो कॉलगेट बिकता है ना, और भारत में उसमें अंतर बहुत है। अमेरिकन कॉलगेट जब मैंने देखा तो उसके रैपर पे एक स्टेच्यूटरी वार्निंग प्रिंट होता है, भारत में आपने